सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन करने हैं। जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में सिली मिस्टेक बाद में यही होता है कि सर सिली मिस्टेक्स हो गई और मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। अब आपको मैं बताऊंगा क्या नहीं करना, ये तो करने वाली बात की बेटा, क्या नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन में इमोशनल नहीं होना है, किसी क्वेश्चन को ईगो नहीं बना लेना है, इसको तो मैं करके ही मानूंगा ना, एग्जाम के बाद कोई डिस्कशन नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ या मेरा सब गलत हो गया, नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप शानदार एग्जाम करने वाले हो, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, बी पॉजिटिव। नमस्कार प्यारे बच्चों, जेईई 2024 का समय नज़दीक आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब मैं आज आपको बात करने आया हूं कि आपको एग्जाम के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। तो बात समझते हैं कि क्या करना है। तो टेक प्रॉपर रेस्ट ऑन एग्जाम डे, आप समझिए कि आपको जिस दिन एग्जाम होना है उसके पहले आप प्रॉपर रेस्ट लेंगे। रात में हर हालत में आपको 10 बजे सो ही जाना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका अगले दिन एग्जाम है आपको बहुत देर में नींद आएगी, तो आपको 10 बजे बिस्तर पे चले ही जाना है। 10 बजे के बाद कोई आपको स्टडी नहीं करनी है। रिव्यू ओनली द फार्मूलाज एंड फार्मूलाज ऑन एग्जाम डे, मतलब समझिए कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल फार्मूलेज जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों या जो भी आपके नोट्स हों उनके फार्मूला रिवाइज करना है। ईट लाइट फूड, एग्जाम के पहले आपको बहुत हल्का खाना खाना है, मतलब बहुत ज़्यादा खा के नहीं जाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, क्योंकि बहुत कम खाएंगे तो हो सकता है कि आपका हेडेक हो जाए और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा लाइट फूड लेना है। चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर लीविंग फॉर द सेंटर, जब आप सेंटर के लिए जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट मैंने एक वीडियो में बताई थी कि आपको क्या क्या सेंटर पर ले जाना है उनकी लिस्ट प्रॉपर चेकिंग करके जाइए, क्योंकि एंड टाइम पर आप कुछ चीज़ भूल जाते हो तो दिक्कत हो सकती है। अगली बात करते हैं, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन केयरफुली। ध्यान रखिएगा जब आप पेपर आपको मिलेगा ये जो आप सीबीटी दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ माइनस मार्किंग है कहाँ नहीं है, क्योंकि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। आप इस पे मत रहिएगा कि पिछले साल ऐसा पैटर्न था तो इस साल भी पैटर्न होगा, हो सकता है इस साल नया पैटर्न आ जाए। तो आप जो इंस्ट्रक्शन है उनको बहुत केयरफुली पढ़िएगा। व्हाइल रीडिंग द पेपर मार्क द इजी मीडियम एंड डिफरेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बताया कि आपको इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मीडियम करने हैं, फिर उसके बाद टफ करते हैं। बिकॉज इजी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है और बाकी सबका सही हो जाता है तो आपका ग्राफ अपने आप नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। मेक यूज ऑफ तुक्का स्ट्रेटजी इफेक्टिवली। अब ये तुक्का क्या होता है, आपको मैंने क्लास में बताया था कि अगर आपके पास चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में अगर हम दो ऑप्शन को निग्लेक्ट कर पाए, समझिएगा, चार ऑप्शन में अगर अपन दो ऑप्शन को निग्लेक्ट कर पाए, यानी क्या दो में से कोई एक आंसर होगा, यानी क्या हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी 50% है, तो आप तुक्का जरूर लगाइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। कीप काम एंड स्टे पॉजिटिव, ठीक है, आप मतलब शांत रहिए, आराम से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का समय है। देखिए जिनको टॉप रैंक लानी है वो तो पूरे ही करेंगे, लेकिन अगर अपने को 99% के ऊपर लाना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 50-60% क्वेश्चन भी अगर सही हो गए तो आपके, समझिएगा, अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन में अगर अपने टारगेट बनाया कि 50 क्वेश्चन सही करके आऊँगा, 50 क्वेश्चन सही करने के लिए क्या 200 नंबर आएंगे, 50 क्वेश्चन सही करना है, तो आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पेपर देखिए, करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में सिली मिस्टेक बाद में यही होता है कि सर सिली मिस्टेक्स हो गई और मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, तो जल्दबाजी मत करिए। इफ मिस्टेक ऑन एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम डे, ट्राई टू लिंक इट विद वॉट यू रिमेंबर। आप क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो मेरा तो मानना ही है कि अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो अगर 2 मिनट में आपको स्ट्राइक कर जाए तो ठीक, नहीं लीव इट, ठीक है, आगे क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाइए। अब आपको मैं बताऊंगा क्या नहीं करना, ये तो करने वाली बात थी बेटा, क्या नहीं करना। अवॉइड यूजिंग फोन और इंटरनेट बिफोर योर पेपर, पता है आपको, आप किसी भी चीज को यूट्यूब या कुछ भी पेपर के पहले मत देखिए, कोई नई चीज आपको कुछ भी ट्राई नहीं करनी।
डोंट बी लेट ऑन लीज योर सेंटर्स। आपको पता है कि कभी भी आप लेट मत होइए, क्योंकि जेई मेन वाले आपको एंट्री कर देंगे, वैन कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो आपको टाइम दिया हो कि इतने समय सेंटर में पहुंचना है, उसके 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाइए, कोई बुराई नहीं है। डोंट फॉरगेट योर एग्जाम एसेंशियल्स, वही डॉक्यूमेंट्स आपको भूलना नहीं है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में इमोशनल नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन में इमोशनल नहीं होना है, किसी क्वेश्चन को ईगो नहीं बना लेना है कि इसको तो मैं करके ही मानूंगा ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम है। तो आप किसी क्वेश्चन में फंस गए कि मैं इसको तो अब करके मानूंगा, मैं तो मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक था, मेरे से कैसे नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है। ये आप होम टेस्ट में कर सकते थे, लेकिन अब फाइनल एग्जाम ये नहीं कर सकते। नहीं आ रहा, लीव इट, अगले क्वेश्चन में मूव करिए। डोंट रश इनटू क्वेश्चन, टेक प्रॉपर टाइम टू रीड एंड, ठीक है, अवॉइड ओवरथिंकिंग, ज्यादा मत सोचे, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करना है। ध्यान रखिएगा कि आप एक क्वेश्चन में बैठ के बहुत सारा सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा गया, ये जेई मेन का पेपर है, आसान होता है, बहुत ज्यादा ऐसा हाई फाई क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन आने की प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है। अवॉइड डिस्कसिंग द पेपर इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम, कोई डिस्कशन नहीं करना है एग्जाम के बाद, कोई डिस्कशन नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ या मेरा सब गलत हो गया, नहीं, आराम से तसल्ली से आइए, घर आइए, घर के में आने के बाद जब सोल्यूशन आ जाए तब मैच करिए अपने आंसर। बोनस टिप्स, किस बात समझिएगा, आपको बोनस आपके लिए टिप्स क्या है समझिएगा। करा फाइल गिविंग मॉक टेस्ट, ट्राई टू यूज ओनली 6A4 साइज, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि जब आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं बात आपको पता है, ध्यान रखिएगा जितने लोगों के एग्जाम अलग अलग डेट है, तो 27 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एग्जाम के 4 दिन पहले से आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देने, जिसके 31 को है वो मॉक टेस्ट अभी देगा, इसलिए क्योंकि 4 दिन आपको केवल नोट्स पे फोकस करना है, केवल नोट्स रिवाइज करना है, ध्यान रखिएगा। तो आप 6A4 साइज के पेपर रफ में यूज कीजिए, क्योंकि उतना ही मिलने वाला है, तो आदत डालिए कि इतने में ही अपना रफ वर्क कंप्लीट हो जाए। स्विच योर फोन, स्विच ऑफ अपने फोन, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो पुरानी बात हो गई, जब भी टेस्ट दे रहे हैं तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लो, ठीक है, या लाइट, अपने लाइट ज्यादा मतलब लाइट मोड में रखो फोन को, ठीक है। प्रिपेयर अ चीट शीट, चीट शीट का मतलब होता है जैसे छोटा छोटा फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो शॉर्ट नोट्स अपने एग्जाम जब देने जा रहे हो तो साथ में ले जाइए ना, जो आप अगर 10-15-20 मिनट पहले पढ़ेंगे तो अपन क्या करें उसको देख के, फटाफट देख के, और जो आपके साथ हो या पेरेंट्स हो जो भी हो उनको देख के और अंदर सेंटर पे जाइए। डोंट स्टार्ट एनी थिंग न्यू नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपको नया ट्राई नहीं करना है मॉक टेस्ट देने, ठीक है, और अपने नोट्स पे फोकस करना है। विश्वास रखिए आपको सब आता है, विश्वास रखिए आपको हर एक चीज आती है, आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, कॉन्फिडेंस रखिए, इट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर लास्ट मोमेंट तक आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेंगे, आप बहुत बढ़िया से एग्जाम फोड़ के आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप शानदार एग्जाम करने वाले हो, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, बी पॉजिटिव, क्लियर है भाई। तो आप ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम है ये आपके कॉन्फिडेंस का, पेशेंस का एग्जाम है, पैनिक मत होइए कि हाय अब डेट आ गई अब क्या होगा मेरा, नहीं, सब बढ़िया होगा, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है, आप बहुत बढ़िया करके आएंगे, आपने ईमानदारी से अगर पूरे साल प्रिपरेशन की है तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता, आपका शानदार रिजल्ट आएगा, बी पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।